चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है? अ बॉडी ऑफ मास 5 किलोग्राम रेस्ट ऑन अ रफ हॉरिजॉन्टल सरफेस ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन 0.2। द बॉडी इज पुल्ड थ्रू अ डिस्टेंस 10 मीटर बाय अ हॉरिजॉन्टल फोर्स 25 न्यूटन। द काइनेटिक एनर्जी एक्वायर्ड बाय इट इज, ठीक है, तो जो टोटल वर्क डन होता है, पहली बात टोटल वर्क डन ये जो होगा वो दो पार्ट में डिवाइड हो जाएगा। एक तो उसको काइनेटिक एनर्जी देने में और दूसरा फ्रिक्शन फोर्स की वजह से जो एनर्जी लॉस हो रहा है, एनर्जी लॉस ड्यू टू फ्रिक्शनल फोर्स, ठीक है। तो जो टोटल वर्क डन कितना है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, और काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, हाफ एम वी स्क्वायर काइनेटिक एनर्जी, मैं इसको ऐसे लिख दे रहा हूं, काइनेटिक एनर्जी और प्लस जो एनर्जी लॉस होगा वो होगा म्यू, या ऐसे लिख दें पहले एफ आर इंटू एक्स। तो आपको निकालना क्या है, काइनेटिक एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हो जाएगा एफ इंटू एक्स माइनस एफ आर इंटू एक्स। अब 10 मीटर डिस्प्लेस होता है और जो फोर्स लगाया जा रहा है 25 न्यूटन का, तो एफ की वैल्यू 25, 10 माइनस एफ आर की वैल्यू कैसे निकालेंगे, एफ आर इज इक्वल टू होता म्यू इंटू एन, और एन की वैल्यू क्या होती है, एम इंटू जी। तो म्यू की वैल्यू 0.2 दिया हुआ क्वेश्चन में, तो 0.2 इंटू मास कितना है 5 किलोग्राम, 5 लिख दिया, जी की वैल्यू 10 दिया हुआ, तो फ्रिक्शनल फोर्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी 10 न्यूटन का फ्रिक्शन फोर्स, लिमिटिंग फ्रिक्शन ये लगेगा, मैक्सिमम फोर्स लगेगा, ठीक है। तो 10 न्यूटन इंटू डिस्प्लेसमेंट है 10, ये हो जाएगा 250 माइनस 100, यानी 150 न्यूटन का जो है काइनेटिक एनर्जी इस बॉडी को मिलेगी। काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू 150 जूल की काइनेटिक एनर्जी बॉडी को मिलेगी। बी वाला ऑप्शन ज्यादा अप्रोप्रिएट है।